नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। झारखंड हाईकोर्ट ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस सहित अन्य कार्यों के लिए सरकार की ओर से की गई शुल्क वृद्धि पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार द्वारा 10 अगस्त 2021 को जारी अधिसूचना के एनेक्स्टर एक पर यह रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 5 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ में मामले को सुनवाई हुई। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से पूरक शपथ पत्र दायर किया गया। राज्य सरकार ने अपने पूरक शपथ पत्र में स्वीकार किया कि अधिसूचना मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार नहीं है, इसलिए राज्य सरकार बहुत जल्द नई अधिसूचना जारी करेगी। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ से समय देने का आग्रह किया, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया। वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुधीर सहाय ने खंडपीठ को बताया कि 10 अगस्त 2021 को जारी अधिसूचना मूल एक्ट के विपरीत है। सरकार की अधिसूचना असंवैधानिक है, इसे निरस्त करने का आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी झारखंड बस ऑनर्स एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह ने याचिका दायर की है। उन्होंने राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा बढ़ाए गए शुल्क को चुनौती दी है। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।